भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि मिशन 2018 हो या मिशन 2019, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से परचम लहराएगी। विपक्ष पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जो विपक्षी नेता एकजुट होकर साझा विरासत बचाने की बात कह रहे हैं, दरअसल वो सारे नेता फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। आइए देखते हैं डीजीआना न्यूज से कैलाश विजयवर्गीय की विशेष चर्चा। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, ये सूत्र वाक्य भारतीय जनता पार्टी का, और अमित शाह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने साफ कहा है कि सभी जो पदाधिकारी हैं वो भाजपा कार्यालय पर जाएं और कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करें। इसी कड़ी को सबसे पहले निभाया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी ने। आइए उनसे जानते सीधे किस तरह से वे मुखातिब हुए हैं और किस तरह की बातें सामने आई। कैलाश जी, कार्यकर्ताओं से मिले हैं आप, किस तरह का संवाद स्थापित किया है? नहीं, कार्यकर्ताओं ने संगठन से संबंधित, सरकार से संबंधित कुछ समस्याएँ, पंच सरपंच उन्होंने बताई है, मनरेगा में क्या तकलीफ़ आ रही है उनको काम करने में, कुछ सरकार का कुछ आदेश है जिसके कारण वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं स्वतंत्र रूप से। मैं इस संबंध में जो राज्य सरकार से संबंधित समस्या है वो राज्य सरकार के मंत्री से बात करूंगा, केंद्र से संबंधित समस्या है वो केंद्र से संबंधित हमारे नरेंद्र सिंह जी उनसे बात करूँगा, और निश्चित रूप से भाजपा की सरकार पैसा भी दे रही है और किसानों के यहाँ मतलब सरपंचों के खाते में जमा भी है, पर वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं, कुछ छोटी छोटी सी समस्या है उसके कारण, तो समस्या का निराकरण हो और गांव में विकास हो, हम ये चाहते हैं। एक बात अक्सर सामने आती है, आपने भी कई बार कई मंचों से इस बात को इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहने की कोशिश की है कि अधिकारी नहीं सुनते हैं, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं, नेताओं की नहीं सुनते हैं, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, इसको लेकर आपकी तरफ से क्या प्रयास हो सकते हैं? नहीं, कुछ शिकायतें आई है ऐसी भी, पर ये सामान्य शिकायतें होती हैं। मैंने अभी जैसे सबसे बड़ी समस्या है कि डाइवर्शन शुल्क, जो किसान के ही खेत में मकान बना हुआ है उसे डाइवर्शन शुल्क ले रहे हैं और काफ़ी मतलब बड़ी राशि ले रहे हैं, तो मैंने अभी कमिश्नर संजय दुबे जी से बात की, तो मैंने कहा है कि भाई ये तो आप इसके बारे में पुनर्विचार करें, तो उन्होंने कहा कि हम लोग मीटिंग बुला रहे हैं और इसका कोई निराकरण करेंगे कि डाइवर्शन शुल्क को देना पड़ेगा, बाकी उसको मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करें। साझी विरासत के माध्यम से सारे विपक्षी नेता एकजुट हैं और इंदौर में भी उनकी आमद हो चुकी है, यहाँ के बाद वो और पूरे देश में जाने वाले हैं, क्या 2018-2019 को लेकर ऐसा लगता है कि आपको जो कार्यकर्ता उन्हें अभी से समझाना पड़ेगा, उनकी पीड़ा जाननी पड़ेगी, जिस तरह सारा विपक्ष ताकत लगा रहा है, या बीजेपी का विजयी रथ जारी रहेगा, ऐसा आत्मविश्वास, ऐसा विश्वास भाजपा के नेताओं को है? देखिए, आपने यहाँ पर देखा होगा सारे फ्रस्ट्रेटेड नेता आपस में आकर यहाँ पर मिले थे और एक ऐसा सम्मेलन हुआ जैसे मोहल्ला मीटिंग होती है, सारे विपक्ष था पर मोहल्ला मीटिंग जैसे, जब कार्यालय में जितने कार्यकर्ता ना उतने कार्यकर्ता भी नहीं थे, देश भर के सारे विपक्ष के नेताओं के बीच में, तो कैसे भी अपनी उपस्थिति समाज के अंदर दर्ज करा रही है, जनता उनके साथ नहीं, जनाधार उनका समाप्त हो गया, ये उनको समझ में आ रहा है। जनाधार आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है, और जहाँ जहाँ राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ पर जिस प्रकार के विकास के कार्य हुए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी के प्रति देश की जनता का विश्वास बढ़ा, विशेषकर महिलाओं, नौजवानों, पिछड़े वर्ग के लोगों का और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का एकदम विश्वास बढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के लिए सिर्फ भाषण में नारे नहीं देती है बल्कि वास्तव में काम भी कर रही है। पिछले विधानसभा के चुनाव इस बात का सीधा उदाहरण है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष तो औपचारिकता पूरी कर रहा है संयुक्त विपक्ष बनाने की, कितने दिन जो इंदौर में बैठे थे वो भी कितने दिन साथ में रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है, तो पर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में 2019 से फिर से सरकार बनाएगी, 2018 में उसके पहले राज्य में भी हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय पूरी तरह से आश्वस्त है कि 2019 हो या 2018 विजय भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ आशीष जोशी, डीजीआना न्यूज़, इंदौर।